हेलो सत श्री अकाल प्यारे बच्चों, अज तुहाडा पेपर है। ये है इंग्लिश का चौथी क्लास का पेपर, आप लैके आए हैं। फाइनल पेपर है मार्च 2023 का, ठीक है। ये सब तो पहला तुहानू कॉम्प्रीहेंसिव पैरा दिता हुआ है, ठीक है। ये आप आंसर लभ के करने हैं। इतने लिखा है ऑन दिवाली द गोलू गैंग प्लांटेड 50 ट्रीज इन देयर विलेज। हम इत पहला ही क्वेश्चन है ऑन विच फैसटिवल डिड गोलू गैंग प्लांट ट्रीज। केड़ा फैसटिवल से? दिवाली। आप टिक कर देना दिवाली पर। हाउ मैनी ट्रीज डिड दे प्लांट, इतने लिखा ना 50 ट्रीज, आप 50 ट्रीज से टिक करांगे। नैक्सट क्वेश्चन है हाउ डिड दे सैलीब्रेट ग्रीन दिवाली। हुण उन्होंने ग्रीन दिवाली किदा मनानी सी? दैन दे लाइटेड द दिया अंडर द ईच ट्री। दे शेयर स्वीट विद द पुअर चिल्ड्रन, रोर न्यू ड्रेसिस, लिट देयर हाउस एंड डांसड विद जॉय। इन दिस वे दे ऑल सेलीब्रेटेड ग्रीन दिवाली मैनर, ठीक है। इतने पढ़ते हैं आप बर्निंग क्रैकरस, नो डांस विद जॉय, शेयर स्वीट विद पुअर चिल्ड्रन। इतने जी ये दोनों सही ने, डांस विद जॉय एंड शेयर स्वीट्स विद पुअर चिल्ड्रन, बोथ ए एंड बी। ओके सी, बोथ ए एंड सी, डी टे ऑप्शन पर टिक करना है। चूज द ऑपोजिट ऑफ सेफ, सेफ द आ जाएगा अनसेफ, ठीक। अगला आ गया द पंचायत हैल्प दैम, इतने दैम कि आता है गोलू गैंग, ठीक है। आप गोलू गैंग टिक करांगे। नैक्सट हैगा है अपने को पिक्चर दिती है, आप क्वेश्चन लभ के करने हैं। इन द अबव पिक्चर देयर इज़ एन ऑड वन, ऑड की है ये कहें, ठीक है। ओल्ड सॉरी, देयर इन दिस इन द अबव पिक्चर देयर इज़ एन ओल्ड, ओल्ड की है ये फार्मर, फार्मर है ना ये किसान है, ये फसल लेके जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन दिस पिक्चर, की नहीं है, क्लाउड्स नहीं है, बैग्स ऑफ वीट नहीं है, कार्ट्स नहीं है, या सन रही है। हम देखो क्लाउड्स भी ने, बैग ऑफ वीट भी ने, तो सन भी है, बट कार्ट एक है, बद नहीं ना है, इतने लिखा है कार्ट्स। सो आप टिक करेंगे कार्ट, ठीक है, कि कार्ट्स नहीं है, ठीक है, कार्ट है ओनली वन कार्ट। अगे आएगा चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, द कार्ट इज लोडेड विद बैग्स, सही है। देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, सही है। द फार्मर्स आर सीटिंग ऑन द कार्ट, नो, ओनली वन फार्मर सीटिंग ऑन द कार्ट, इतने लिखा है फार्मर्स, ये मतलब वद फार्मर्स, नो, ये गलत है स्टेटमेंट, ठीक है। अगला हैगा द फ्रूट्स डैश द बास्केट, द फ्रूट्स इन द बास्केट, द ऑपोजिट ऑफ जॉय, जॉय खुशी होंगी है। दैन आजूगा सोरो, सोरो मीनस दुख। अगे हैगा विच सेंस ऑर्गन कैन बी फाइंड इन द ग्रिड, ग्रिड में आपको केड़ा सेंस फॉर्मेंस दिख रहा वा आपको ऑर्गन सेंस वाला, ठीक है। इन्हों विच आईज टंग स्किन दिता हुआ, हुण आप इन्हों टिक करांगे। आ देखो आपको स्किन दिखी है ना, आप स्किन पर टिक कर देना। अगे हैगा चूज द ऑड वन, प्लंबर, इंजीनियर, फार्मर, ठीक है। ये स्टूडेंट आएगा क्योंकि स्टूडेंट इन ये सारे एक्सपर्ट ने बट स्टूडेंट नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द एच इज साइलेंट, एच साइलेंट हूँ ऑनेस्ट, ठीक है, बाकी सारे विच एच साइलेंट नहीं है। चूज द करैक्ट स्पैलिंग ऑफ मिनिस्टर, द स्पैलिंग ने सारे डी ऑप्शन सही है, मिनिस्टर। अगला आएगा चूज द करैक्ट स्टेटमेंट, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ही शी इज़ गोइंग टू स्कूल, दे आर, दे इज़ गोइंग टू स्कूल, ही आई एम गोइंग टू स्कूल। देखो सारे सही ने, ओनली वन स्टेटमेंट इज़ इनकोरैक्ट, इतने इनकोरैक्ट आना सी, इन्होंने करैक्ट लिखा हुआ क्योंकि दे नाल हमेशा आर लगेगा। ओके, विच वन इज़ नाउन, नाउन की है वेलनट, क्योंकि ये कोई चीज़ है, बाकी सारे नाउन नहीं है। चूज द करैक्ट पंक्चुएशन, आप पंक्चुएट करना है, वेयर इज ही, ये क्वेश्चन मार्क पूछा गया, इट मीन ये पिछे क्वेश्चन मार्क आएगा। नैक्सट है आप आर्टिकल फिल करना, आई हैव ए प्योर एंड डैश इन माई टिफन, इतने आएगा एन, बिकॉज ये वॉबल अखर तो शुरू होंगे, वॉबल अखर नाल हमेशा एन आता है, ठीक है, एन ऑप्शन सी ते है। अगला हैगा चूज द इनकरैक्ट सेंटेंस, इनकरैक्ट सेंटेंस चूज़ करना है, वी शुड नॉट बाथ डेली, ये गलत, यही पहला ही गलत है कि सानू हर रोज़ नहाना चाहिए है, ठीक है। अगला हैगा चूज द करैक्ट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव भरना इतने, ही इज़ वेरी डैश स्टूडेंट, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, ठीक है। अगला हैगा वट आर द सैकेंड सिंग सन ब्रिंग, सैकेंड सन की लैके आया सी, वो लैके आया सी ग्रेप्स,
ठीक है। अगला हैगा विच डे इज सेलिब्रेटेड चिल्ड्रन डे, इतने लिख देना 14th November, ठीक है। इनू आप चिल्ड्रन डे दे लई मनाने हैं। वेयर शुड वी स्टॉप आवर वहीकल, ऑन इतने ऑन है, ठीक है, ऑन रेड लाइट, रेड लाइट के उत्ते आपां अपने वहीकल बंद कर दें, ठीक है। अगला हैगा वेयर शुड दे टेक रेस्ट, इतने लिख दो अंडर शैडी ट्री, अंडर शैडी वैलनट ट्री लिख दो, वैलनट की स्पैलिंग है ही आज दिते हुए, अंडर शैडी वैलनट ट्री, ठीक है। वैलनट की स्पैलिंग आ दिखे हुए ने, इतों देखियो अंडर शैडी वैलनट ट्री। अगे हैगा वट इज डज द मीन ऑफ टीम वर्क, टीम वर्क का मतलब की होंगे है, यदा लिखना है टू मेक कलैक्टिव एफर्ट, टू मेक कलैक्टिव एफर्ट्स, ई ई डबल एफ ओ आर टी, ठीक है, टू मेक कलैक्टिव एफर्ट्स, ओके जी। अगला हैगा हाउ मच मनी डिड गुरु नानक देव जी फादर गिव टू हिम, ये तो अपन सारिआं नूं पता है 20 रुपीज, ठीक है। अगला हैगा नेम द स्टेशनरी आइटम्स, लिखनिया ने स्टेशनरी आइटम होंदियां पेन पेंसिल, ठीक है, नोटबुक नोटबुक, अगे आ जाएगा अपना कलर्स, ठीक है, ते बुक्स आ जानिया ने अपनिया, ओके, कुछ भी लिख दो स्टेशनरी आइटम्स आप जो जो यूज़ करते हैं, ठीक है, रजिस्टर लिख सकते हैं। अगला हैगा राइट टू सेंटेंस गिवन पिक्चर, हुण आपां इहदे पिक्चर विच आपां नूं की दिख रहा है आपां वो लिखना है, पिक्चर विच दिख रहा आपां नूं ए मैन एंड ए बॉय इन द पिक्चर, सब तो पहला अपना जो दिखता पाया है ना आप लाइन लिखनी होंगी है ए मैन एंड ए बॉय इन द पिक्चर। सैकेंड लाइन लिखांगे, ठीक है, वो कितने बैठे ने, दे आर सिटिंग अंडर ए ट्री, वो एक ट्री दे नीचे बैठे ने, ठीक है जी, दो लाइन हो गई। नैक्सट हैगा आप ब्लैंक्सा फिल करनिया ने, डोंट रन ऑन द रोड, ठीक है, ऑलवेज यूज डैश इन योर कार सीट बेल्ट, स्टॉप लुक एंड गो, ऑलवेज वेयर डैश वैन राइडिंग ए बाइक, जो आप बाइक चलाने कहते हमेशा पहनो हेलमेट, डू नॉट यूज डैश वाइल ड्राइविंग, फोन मोबाइल फोन यूज ना करो, ठीक है। पहली सी डोंट रन ऑन द रोड, रोड से ना भजो, ऑलवेज यूज डैश इन योर कार, हमेशा कार में सीट बैल्ट की यूज करो, स्टॉप स्टॉप लुक एंड गो, ठीक है, ऑलवेज हमेशा हमेशा बाइक से चलाते समय हैलमेट यूज करो, डू नॉट यूज डैश ऑन ड्राइविंग मोबाइल फोन, ठीक है। तुहाडा सारा पेपर हो गया, गुड हैंड राइटिंग के 10 मार्क्स मिलेंगे, तो वधिया पेपर करना है, तुसीं सही ढंग नाल बिल्कुल साफ साफ लिखना है, तो तुहाडा फाइनल पेपर है। सो होर भी इस तरह के पेपर इस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे, तुसी इस दी ध्यान रखना है, इसलिए इस चैनल नू सब्सक्राइब करो, धन्यवाद।